आगे तो बढ़ जा। Time on Beyblade. In a surprise twist at a Battle Bladers qualifying tournament, it is decided that for the finale, the six remaining Bladers will compete against each other in a battle royal. They launch their blades and it's on. You and Libra join forces with Tsubasa and Eagle in an attempt to eliminate Jenga and Pegasus. Kiyoya steps in and forces Eagle and Libra back. A mysterious masked stranger watches as Jenga uses the Pegasus Star Blast attack to try and knock both Libra and Eagle out. He succeeds, but Pegasus is also eliminated. As the shocked audience stares, Kiyoya seizes the moment and unleashes his Lion Gale Force Wall on Kenta and Sagittario. It's all over! Kiyoya wins! Ab waqt hai award ceremony shuru karne ka! तीसरे नंबर पर है जिंगा, यू और सुबासा, जिनको मिलते हैं 1000 पॉइंट्स। और रनर अप केंटा को मिलते हैं 3000 पॉइंट्स। और इस टूर्नामेंट के विनर को जिन्हें मिले हैं 10000 पॉइंट्स, वो है कियोया। कियोया ने जो पॉइंट्स कमाए हैं उसमें ऐड करके देखते हैं। जरा देखो तो, कियोया ने अब तक 50,000 पॉइंट से भी ज्यादा जमा करके बैटल ब्लेडर्स में अपनी जगह बना ली है। बहुत ही बढ़िया कियोया। मैं जीत गया। बहुत अच्छे। मुझे पता था मेरा बेस्ट फ्रेंड कियोया कर देगा, वो बेस्ट है। लगता है आया है। तुमने कर दिया कियोया। कंग्रेचुलेशन। मैंने तुम्हें हरा ही दिया जिंगा। सही है, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, इसलिए सावधान रहना। मैं भी वहाँ पहुँचूंगा दोस्तों। बैटल ब्लेडर्स में मुझसे मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, अगली बार हम सीधे बैटल ब्लेडर्स में मिलेंगे। असली ताकत तो अभी दिखाई कहाँ है, मैं तो इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। हमेशा ताकतवर नहीं जीतते, जो जीतता है वो ताकतवर बनता है। हाँ, ये तुम क्या बोल रहे हो, अगर मुकाबले के दौरान तुम मेरे बीच नहीं आते तो मैं कियोया के भी ऊपर चला जाता। मेरा प्लान था कि मैं यू और सुबासा को आपस में भिड़ते देखूं, ताकि वो ब्लेडर्स के तौर पर अपना लेवल बढ़ाए, पर नसीब अच्छा है, लगता है जैसे जो हुआ उसका नतीजा बहुत बढ़िया रहा। इंटरेस्टिंग है ना? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत इंटरेस्टिंग है जिंगा? सब बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा है, इसलिए तुम अब सही अपोनेंट होगे रयूगा के लिए। अपने साथ अपनी सारी ताकत यहाँ ले आओ, इस तरह बैटल ब्लेडर्स में रयूगा पहले की तरह तुम्हारी सारी ताकत खींच लेगा। ये क्या हो रहा है क्रैब? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कियोया बैटल ब्लेडर्स में पहले नंबर पर आ गया। मुझे लगता है कि मुझे मान लेना चाहिए कि ऐसा हो गया है, और ये सच है। जो बेब्लेड बहुत ही बढ़िया था वो था लीब्रा और ईगल, जिसने सबके होश उड़ा दिए। जिंगा का पेगासस क्रैब। डार्क नेबुला कंपनी वालों के लिए इस तरह के इवेंट बहुत ही फायदेमंद है। जरा एक मिनट रुक जाओ, असल में ये मेरे लिए सबसे बड़ा मौका होगा, मुझे चौका मारना ही होगा। क्रैबी क्रैब क्रैब क्रैब, अगर मैंने जिंगा को बैटल ब्लेडर्स में हिस्सा लेने से रोक दिया तो डार्क नेबुला सेफ रहेगी, और मिस्टर डोजी मेरे इस कारनामे से बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे मिलेगा प्रमोशन और मैं हो जाऊंगा माला माल। ला 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 ला। क्रैबी क्रैबी क्रैब क्रैब। हाँ,
देखो मैंने तुम्हारे लिए फाइनल मुकाबले का ब्रेकडाउन किया है। तो हुआ ये कि लीब्रा और ईगल के मुकाबले के बाद एक बड़ी पावर बनी है, पर पेगासस के अटैक से वैक्यूम बना जिसने ताकत को कम कर दिया। देखा तुमने, ये तो अमेजिंग है। पर बिना पावर को कंट्रोल किए बगैर तुम्हें उसने हवा में भी उड़ा दिया था, जो अच्छा नहीं हुआ था। पर मेरी मदद से तुम्हारा सारा काम आसान हो सकता है। नहीं रहने दो, मुझे उसे काबू में करना सीखना होगा। अगर मैं अपने अटैक्स को सही करूं, फिर मैं अपने पेगासस के लिए नया और स्पेशल मूव बना सकता हूं, जो किसी को भी नहीं हरा सकता है। सही कहा, पक्का ऐसा ही हुआ होगा। तो इस पावर को कंट्रोल करने के लिए मुझे ढेर सारी लॉन्च पावर की जरूरत पड़ेगी। उस फोर्स के खिलाफ मेरे लॉन्च के पास जितनी ताकत चाहिए उतनी नहीं होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही बेहतर बन सकता हूँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना चाहिए उतना प्रैक्टिस। ओह सही कहा, मुझे अभी याद आया। हाँ? तुम्हें इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ? ये क्या है? एक डिजिटल पावर लॉन्चर। ये एक नए टाइप का लॉन्चर है। एक डिजिटल पावर लॉन्चर? क्या इससे मेरा लॉन्च पावर बढ़ जाएगा? तुम खुद ही पता कर लो। पेगासस को अभी के अभी सेट करो। ओके। चलो फिर हमेशा की तरह लेट इट रिप। ओके। लेट इट रिप। 53,642। अब ये नंबर क्या है? एक डिजिटल पावर लॉन्चर से तुम एक ब्लेडर के लॉन्च पावर को नंबर में बदल सकते हो और वो दिखाई भी देता क्या है। क्या बात कर रही हो? ये नंबर मेरा अभी का लॉन्च पावर है? वाह, ये तो कूल है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्रैक्टिस करते हुए तुम्हारी लॉन्च पावर कितनी बढ़ती है। इससे तुम्हारी बहुत मदद होगी। हाँ, थैंक्स अ लॉट मडोका। ठीक है, अब लॉन्च प्रैक्टिस करके इस नंबर को बढ़ाना होगा। ये हुई ना बात जिंगा। क्रैबी, इस अवतार में कोई नहीं बता पाएगा कि मैं कौन हूँ। क्रैब, लेट इट रिप। 54,036। पहले से थोड़ा बढ़ गई है। ओके, एक और बार। लेट इट रिप। ओह, ये नंबर कितना अच्छा है। वाओ, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मुझे इससे भी ज्यादा चाहिए। बहुत ही अच्छे दोस्त। हाँ? हाँ? क्या बात है, काबिले तारीफ। वाह वाह, क्या बेब्लेड स्विंग करते हो बेबी। हाँ? ये अतरंगी है कौन आखिर? मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। मैं कोई ऐसा गहरा नत्थू कह रहा नहीं हूँ। मेरा नाम है नाइजल क्रैब केक्स। मैं दुनिया का सबसे मशहूर रिसर्चर हूँ बेबी। एक मशहूर रिसर्चर? सही सुना, ये सच है। अगर यकीन नहीं तो तसल्ली कर लो। ओह, ऑसम। एक एकॉन टॉप और एक ग्रायोस्कोप, एक ट्रेडिशनल जापानीज टॉप और एक बेब्लेड। ये कलेक्शन तो कमाल का है। क्या मुझ पर यकीन हुआ? हाँ? शायद से। मैं यहाँ और कई तरह के बेब्लेड ढूंढने आया हूँ। क्या तुम लोग मेरी बात करोगे? बैटल ब्लेडर्स में मैं अपना कमाल दिखाने के लिए बेताब हूँ। जानते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अब मैं समझा। वैसे मैंने सुना है कि तुम और तुम्हारा पेगासस जल्द ही बैटल ब्लेडर्स में हिस्सा लेने वाला है। ये सच है ना? हाँ, ये सच है। पर क्या तुम मुझे वो शानदार जबरदस्त बेब्लेड दिखा सकते हो प्लीज? ओके। ये देखो। ये है स्टॉर्म पेगासस। क्या बात है, बैटल ब्लेडर्स में इसी के साथ मुकाबला करोगे ना तुम? हाँ, पर मुझे और भी पॉइंट्स चाहिए। टेंशन की कोई बात नहीं है, बताओ कितने पॉइंट्स चाहिए तुम्हें? मेरे पास है 48,000 पॉइंट्स। मुझे और 2,000 पॉइंट्स चाहिए। ये काम मुझ पर छोड़ दो बेबी। परफेक्ट, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। मुझे और 2,000 पॉइंट्स चाहिए होंगे और फिर मैं बैटल ब्लेडर्स में अपनी जगह बना पाऊंगा। 2,000 पॉइंट्स तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर तुम्हें सब्र और शांति से काम लेना होगा क्योंकि जल्दबाजी करने से अक्सर चीजें बिगड़ जाती है। हाँ, शायद से। थैंक्स अ लॉट डूड। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, ठंडे रखो दोस्त। क्या आप मुझे मेरे पॉइंटर्स दोगे?
वो देखो वहाँ सतरंगी केकड़ा उड़ रहा है। कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रहा। सतरंगी कलर का केकड़ा? ये सच है पर अजीब है। ओह, वो तो बैटल ब्लेडर्स की तैयारी के लिए बलून्स है। क्रैबी, पर वो कब से वहाँ पहुँचा है? ओह अच्छा, वो तो बलून्स है। हे, सब बैटल ब्लेडर्स में धमाल मचाने के लिए तैयार है? अच्छा, मैं तुम्हें ये वापस देता हूँ। थैंक यू मुझे अपना स्विंगिंग पार्टनर दिखाने के लिए। हाँ। ओह, जरा देखो तो, बहुत वक्त हो गया है मैं झूला नहीं झूला। ये इतना बड़ा होने के बावजूद झूला झूलता है। थैंक यू वेरी मच मुझे अपना बेबलेट दिखाने के लिए। चलो अब बाद में मिलेंगे। ओके। ओह सही कहा। जिंगा, मैंने तुम्हें जो न्यू लॉन्चर दिया था उस पर बेबलेट पॉइंट ऑफ फंक्शन था, तो मैं अभी के अभी तुम्हें पॉइंट्स ट्रांसफर कर देती हूँ उस पर, ठीक है? ओ, सच में? एक न्यू लॉन्चर बेबलेट पॉइंटर फंक्शन कहा तुमने? मिस्टर क्रैब केक्स, क्या तुम्हें लॉन्चर्स भी पसंद है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके मरोका, प्लीज करो ना। ये काम मुझ पर छोड़ दो। ये क्या है? अजीब बात है, ये ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्यों नहीं? ये कुछ अजीब है। ये तो एक नंबर वाला स्टिकर है जो इस पर चिपका हुआ था। ये क्या हो रहा है? ऐसा कुछ देर पहले तो नहीं था। हे, रुको। तुमने अपना नाम क्या बताया था, फिर से बताना जरा। नाइजल क्रैब केक्स। क्रैब, इसका मतलब केकड़ा। क्रैब, पक्का यही नाम है ना तुम्हारा? फाइनल गैशर, मेरा मतलब है। तो ये तुम हो टेत्सुया? मेरे पॉइंटर से तुम्हें क्या चाहिए? टेत्सुया रुक जाओ, पकड़ो चोर को। क्रैबी। रुक जाओ। टेत्सुया रुक जाओ, मुझे पॉइंटर वापस दो। मुझे वापस नहीं देना है क्रैब। ये ठीक नहीं है, अभी के अभी रुक जाओ। अब वक्त है यहाँ से निकलने का, यानी क्रैब ब्लास्टर्स का। चलो मैं चला। वो क्या था? कैसे पता जिंगा? वो भाग सकता है पर छुप नहीं सकता है। वो केकड़ेबाज कहाँ गया होगा? ये क्रैब्स मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। 48,000 पॉइंट्स, उसकी इतनी हिम्मत की इतने सारे पॉइंट्स जमा कर लिए क्रैब, पर उसकी मेहनत पर मैंने अच्छे से पानी फेर दिया। क्रैब, क्रैब, अगर मैं ये पॉइंट्स ले लूं, तो मेरे पॉइंट्स टोटल 50,000 से ज्यादा हो जाएंगे और मुझे बैटल ब्लेडर्स में खेलने का मौका मिलेगा। यस यस, चलो पॉइंट्स ले लेता हूँ। मेरा पॉइंटर मुझे वापस दो। क्रैबी, तुम पीछा करते करते यहाँ तक आ गए, लेकिन तुम्हें पता है क्या मिलेगा? तंबूरा। रुक जाओ, मैं तुम्हारे पॉइंट्स लूंगा। अलविदा क्रैबलेस। बेब्लेड के पॉइंट्स ब्लेडर की ताकत होते हैं। ब्लेडर ने जो मुकाबला खेला है, बेब्लेड पॉइंट्स उसका सबूत होते हैं, और किसी से उसके मेहनत के कमाए पॉइंट्स छीनना। क्रैबी क्रैब की कुछ समझ में नहीं आया। तुम कौन हो? मेरा नाम है फीनिक्स। तो आखिर ये है कौन? मुझे कुछ नहीं पता। वो पॉइंटर मेरा है, क्या तुम उसे मुझे वापस दे दोगे प्लीज? हाँ, काश मैं ऐसा कह पाता, पर मैं ये उसे नहीं दे सकता जो उसकी देखभाल नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? ये पॉइंट टोटल बस एक नंबर नहीं है, तुम्हारे राइवल की स्पिरिट है जिससे तुमने मुकाबला किया है और उसे हरा कर पॉइंट हासिल किया है। जो भी इसका अच्छे से ख्याल नहीं रखता, उसे कोई हक नहीं है बैटल ब्लेडर्स में मुकाबला करने का। और मैंने देखा कि तुम्हारे पिछले मुकाबले में तुमने बहुत ही डर कर हमला किया। क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने अपने सभी मुकाबले में पूरी ताकत लगाई है, मेरे पास जो था मैंने सब कुछ लगा दिया। क्या तुम्हें लगता है तुमने उस मुकाबले में पूरा जोर लगाया? तो फिर चलो फिर से मुकाबला करके देखते हैं। मेरे बेब्लेड से मुकाबला करो, मुझे अपनी पूरी ताकत से मुकाबला करके दिखाओ।
अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे मेरा पॉइंटर लौटाना होगा। बोलो। ठीक है। जिंगा रुको एक मिनट, प्लीज स्टॉप। उसके साथ मुकाबला करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे पॉइंट्स लेने का उसे कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मत करो। मैं उसे ये कहने नहीं दे सकता कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैं उससे जीत कर अपना पॉइंटर वापस हासिल करूँगा। क्या तुम ऐसा सच में कर सकते हो? मैं तुम्हें मनाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, मैं मुकाबले में साबित कर दूंगा। तो चलो हो जाए। हो जाए जिंगा। ठीक है, 3, 2, 1, लेट इट बी। ऐसा परफॉर्मेंस टेप कभी नहीं देखा, नामुमकिन। वो परफॉर्मेंस टेप मेटल से बनी हुई है, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम बैटल ब्लेडर्स में मुकाबला कर सकती हो ऐसी फालतू पावर से? संभल कर रहो, मेटल परफॉर्मेंस टेप बहुत सी फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो इसका मतलब है कि उसमें बहुत सारी ताकत है। ठीक है, फिर इस साइज को ट्राई करके देखो। पेगासस स्टार ब्लास्ट अटैक। क्या बात है? क्या? नहीं, उसने शायद से धोखा दिया है। ओ, सच में? फिर टाइम हो गया, मैं हर एक बीम को उड़ा दूंगा। मैं वो देखना चाहूंगा, अब मेरी बारी है। मेरे बेबलेट से निकली आग तुम्हें भस्म करके रख देगी। ये क्या कर रहे हो तुम? ओह, मेटल बीम को मेल्ट कर रहे हो। और ये आग तो पेगासस के नजदीक आ रही है। अगर मैंने उस पर अटैक किया तो पेगासस सेफली बाहर नहीं निकल पाएगा। इससे ज्यादा पावरफुल बेब्लेडर मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? मुझे लगा था तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ोगे मुझसे। वो क्या है, मैं हमेशा धमाकेदार हमला करता हूँ। तो अगर तुम हार रहे हो तो फिर क्यों मुस्कुरा रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम्हारा दोस्त जीता? इसलिए क्योंकि तुमने बहुत मजे किए? या फिर इसलिए कि तुम्हें पता लगा कि तुम किसी से तो लड़ सकते हो? अगर तुम इस बार हारे तो कभी मुकाबला नहीं कर पाओगे। जो ये नहीं जानता कि वो किस लिए मुकाबला कर रहा है, वो कभी बेब्लेड मास्टर नहीं बन सकता। मुझे अपनी विल पावर दिखाओ और दिखाओ कि तुम अपने बेब्लेड के लिए क्या क्या कर सकते हो। विल पावर के इस्तेमाल से सब कुछ जला दोगे? मैं समझ गया, मैं तुम्हें अपना विल पावर जरूर दिखाऊंगा। मैं उस आग को बुझा दूंगा। वैक्यूम के अंदर आग नहीं लग सकती है, याद है जिंगा? तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? हाँ, मैं वही करूंगा। पेगासस। अभी नहीं। बर्न फायर ब्लीज, बर्निंग फायर स्ट्राइक अटैक। ओ नहीं, तुम्हारे विल में यही कमजोरी है। मैं यकीन नहीं कर सकता। यकीन करो, किसी की पूरी ताकत इस्तेमाल करना ये कहना आसान है पर करना बहुत ही मुश्किल है। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? हारना यानी सब कुछ खो देना।
याद रहे जिंगा, तुम्हारी विल पावर बहुत कमजोर है। समझे? ये सच है, जैसा तुमने कहा ये वैसा ही है। मेरा विल पावर बहुत ही कमजोर है। ओ जिंगा, तुमसे हार कर और मेरे सारे पॉइंट्स हार कर मुझे एहसास हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ है, और फिर भी मैं रुक नहीं सकता। मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ, यानी जीरो से, अभी से बैटल ब्लेडर्स जीतने तक। मैं फिर से हारने नहीं वाला। अगली बार जब मैं हारूंगा तब मैं बे ब्लेडिंग करना छोड़ दूंगा। बस देखते जाओ, मैं अब तक हारा नहीं, पर आज हारने के बाद मेरी इज्जत वापस लाने के लिए मैं और मेहनत करूंगा। बहुत अच्छे, तुम्हें यही विल पावर चाहिए जिंगा। या!